नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, और वैसे भी आज कम्युनिटी बाजार के कारोबारी सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन है, तो आने वाला कारोबारी सप्ताह भी कैसा रहेगा ये भी डिस्कस करेंगे, और क्या फंडामेंटल्स बनते नजर आ रहे हैं जिससे किस कम्युनिटी में कितनी मंदी तेजी आगे देखने को मिलेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहां पर नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोना देख रहे हैं कि $1849 पर ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में, और सिल्वर देख रहे हैं कि $21.8 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में तो सोने और चांदी की जो प्राइसेस हैं उनमें लाल निशान के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि जो प्राइसेस हैं उन पहले जो 1820-1828 इसी रेंज में थे उनमें कुछ उछाल भी देखने को मिला है, लेकिन अभी भी लाल निशान पर ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुई अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है अपने ब्याज दरों में, जिसका साफ साफ मतलब है कि अमेरिका नहीं चाहता कि जो महंगाई है ज़्यादा बढ़े, इसकी वजह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। दूसरा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने से लोन की किस्त, ईएमआई, जितनी भी ले लिया हुआ कर्जा होता है वो महंगा हो जाता है। अब ऐसे में बाजार के जानकारों का मानना है कि ये जो फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई है इससे मंदी का दौर आ सकता है। इसकी वजह से जब जब मंदी का दौर आने की आशंकाएं होती हैं मार्केट में, सेंटीमेंट्स ऐसे बनते हैं कि मार्केट में एक बार फिर से मंदी आ सकती है, तो तब तब हम देखते हैं कि जो डिमांड है वो सोने चांदी पर शिफ्ट होती नज़र आती है, यानी कि सोने चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड है वो निकलती है। तो ये जो हम सोने चांदी में अभी हाल फिलहाल में उछाल आता हुआ देख रहे हैं ये वही एक छोटी मोटी छुटमुट सेफ हेवन डिमांड निकलती नज़र आई है। दूसरा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने अभी कुछ संकेत भी दिए हैं ऐसे कि जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक है वो फिर से जो 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है इसके अलावा आने वाले महीनों में भी जब कभी बैठक होगी उसमें भी ब्याज दर में बढ़ोतरी करेगा। तो इसकी वजह से भी जो सोना है उसकी प्राइसेस को यहाँ पे बल मिलेगा, यानी सोने चांदी के जो दाम है इनमें अभी थोड़ा और उछाल देखने को मिलेगा। लंबी अवधि में सोने चांदी में तेजी का रुझान है। बात करेंगे यहाँ सिर्फ कच्चे तेल की। तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI $118 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 पर। देख रहे हैं कि कच्चे तेल में जो प्राइसेस करेक्ट हुए थे अब धीरे धीरे उनमें कुछ बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। फिर से ब्रेंट क्रूड एक बार फिर से $120 के ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं WTI जो नीचे में $116 तक लुढ़क चुका था $2 की बढ़त के साथ $118 पर कारोबार कर रहा है। आपको बता दें कि कच्चे तेल में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। एक दिन तो मार्केट के सेंटीमेंट्स ये बनते हैं कि मार्केट में क्रूड की डिमांड कम है जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम गिर जाते हैं। दूसरा, चाइना भी लॉकडाउन में फिर से जाने की कोशिश में है, बल्कि जो राजधानी है चाइना की वहाँ पर लॉकडाउन लगा भी है, उसके साथ साथ कई दूसरे राज्यों में भी चाइना में लॉकडाउन लग चुका है। तो ऐसे में वहाँ से कच्चे तेल की डिमांड कम हुई है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी यही कहना है कि जो कच्चे तेल की जो डिमांड है यहाँ पर कुछ कम ही रह सकती है। लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं है जो कच्चे तेल में गिरावट लाए। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में जितनी भी कच्चे तेल की सप्लाई पूरे वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, वो पर्याप्त नहीं है इस कम डिमांड को भी पूरा करने के लिए। तो इसकी वजह से कच्चे तेल के जो प्राइसेस हैं उनको लगातार सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। दूसरा, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है, यानी कि जितनी डिमांड जो सप्लाई पहले हो रही थी जितनी हो रही थी वो डिमांड से कम थी, और जो डिमांड से कम सप्लाई हो रही थी वो भी अब डिस्टर्ब हो रखी है। तो ऐसे में जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई है कच्चे तेल की रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, उसकी वजह से भी प्राइसेस को कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर सपोर्ट मिलता रहेगा। और जितने भी जानकार हैं उनके मुताबिक कच्चा तेल अभी हाल फिलहाल में भले ही उठापटक के साथ कारोबार करता नजर आए, लेकिन आने वाले समय में कच्चा तेल यहां से तेजी की तरफ ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। बात करेंगे यहां से अब नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस में देख रहे हैं कि $7.5 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, 1% की बढ़त है। हमने कुछ दिन पहले, अगर बीते कारोबारी सप्ताह की बात करें तो बीते कारोबारी सप्ताह की
अंत होते होते और इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत में हमने नेचुरल गैस को $9.5 के लगभग ट्रेड करते देखा था। सभी को यही लग रहा था कि जो नेचुरल गैस है नया हाई लगा देगी, $10 के भी ऊपर चली जाएगी, फिर से कई सालों की ऊपरी स्तर पर नेचुरल गैस कारोबार करते नजर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा गिरावट आई। अब गिरावट क्यों आई वो डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका में एक नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनी है वहाँ पर कुछ आग लगने की खबरें निकल के सामने आई थी, जिसकी वजह से अमेरिका से नेचुरल गैस का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा थम गया, वो रुक गया। और अमेरिका में नेचुरल गैस का जो कह सकते हैं जो स्टॉक है वो ज़्यादा बढ़ गया। और अमेरिका से ही अमेरिका उन बड़े देशों में से एक है जहाँ से नेचुरल गैस के जो दाम है वो तय होते हैं। तो ऐसे में वहाँ से नेचुरल गैस का स्टॉक एक्सपोर्ट रुक जाना और वहाँ पे स्टॉक में बढ़ोतरी हो जाना, तो इसकी वजह से नेचुरल गैस के जो दाम है उनमें यहाँ पे हमने गिरावट आते हुए देखी, जो कि अभी भी जारी है। अदरवाइज़ जो इंडस्ट्रियल डिमांड है नेचुरल गैस की वो बरकरार है, जैसे कि गर्मियों की डिमांड आना है नेचुरल गैस की, और इंडस्ट्रियल यूज़ में जो नेचुरल गैस आती है उसकी भी डिमांड अच्छी खासी है। तो अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में जो सेंटीमेंट्स बने हैं, वहाँ के जो फंडामेंटल्स हैं अमेरिका में, उसकी वजह से यहाँ पे नेचुरल गैस के दामों में नरमी आती नजर आ रही है, जो कि अभी कुछ समय और तक जारी रह सकती है। बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं वही नरमी वाला रुख देखने को मिल रहा है। दरअसल चाइना की तरफ से अभी जो फिर से बेस मेटल्स की डिमांड कम हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे बेस मेटल्स का जो प्राइसेज है यहाँ पे एक नरमी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। जब तक चाइना वापस नहीं आ जाता है मार्केट के अंदर, तब तक जो बेस मेटल्स का जो प्राइसेस हैं वो ऐसे ही नरमी के साथ देखने को मिल सकते हैं। लंबी अवधि में कुल मिलाकर बेस मेटल्स में तेजी का ही रुझान है। दूसरा, अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की भी इंडिया में चर्चा हो रही है कि इंडिया में ईवी कदम रखेगी। हमने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज आते हुए देख लिए अब रोड पर, लेकिन अभी इतने बड़े पैमाने पर इनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इंडिया में इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं की जा रही है जिससे कि इंडिया में बेस मेटल्स की बड़े पैमाने पर खपत की जाए या इस्तेमाल हो, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे बेस मेटल्स का जो दाम है वो भी कुछ ऐसी नरमी के साथ डगमगा रहा है। लंबी अवधि में तेजी का ही रुझान है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, अब आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं एग्री कम्युनिटीज़ की, जान लेते हैं कि कृषि फसलों का बाजार कैसा रह सकता है। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सोयाबीन से। तो अमेरिकी सोयाबीन वायदा देख रहे हैं कि $1,720 पर, यानी $1,720 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। और अमेरिकी सोयाबीन वायदे में देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.1% की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर भारत में सोयाबीन की कीमतों की बात की जाए तो क्वालिटी और जगह के हिसाब से सोयाबीन के जो दाम है नीचे में 4,500 रुपये से लेकर ऊपर में 6,300 तक देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले तक सोयाबीन में यहाँ पे तेजी बनते हुए देखी, लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत में सोयाबीन के जो दाम है उनमें यहाँ पे कुछ नरमी बनती नजर आ रही है। अब उसके कारण क्या क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहला तो कारण ये है कि खरीफ में किसानों को दूसरी फसलों की भी बुआई करनी है और उसके लिए उनको पैसा चाहिए। जो स्टॉक की हुई सोयाबीन थी किसानों की, अब वो धीरे धीरे मंडियों में ला रहे हैं, तो मंडियों में सोयाबीन की बिकवाली बढ़ने से किसानों की तरफ से सोयाबीन के दामों में यहाँ पे नरमी आई है। दूसरा एक और कारण है जो सोयाबीन की कीमतों में गिरावट का कारण बन रहा है, वो है सोयाबीन की ज़्यादा बुआई होना। जिस हिसाब से सोयाबीन के दाम MSP से ऊपर बने हुए हैं पिछले 2 सालों से, तो सोयाबीन की जो बुआई है इस बार किसान ज़्यादा करने की सोच रहे हैं। सिर्फ सोयाबीन ही नहीं, जितनी भी तिलहन फसलें हैं किसान ज़्यादा ही लगाएंगे, क्योंकि तिलहन के जो दाम है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये ठीक ऐसा ही होता, हमने सरसों के साथ भी देखा था, सरसों के जो दाम किसानों को अच्छे मिले थे, ज़्यादा मिले थे, MSP से 2-3 गुना तक दाम मिले थे, तो किसानों ने सरसों की ज़्यादा बुआई की थी जिसकी वजह से सरसों का उत्पादन बढ़ गया था। ठीक वैसे ही किसान अब सोयाबीन और अन्य तिलहन फसलों की जो बुआई है वो ज़्यादा करने का मन बना रहे हैं। आपको बता दें कि किसान वैश्विक स्तर पर सोयाबीन हुई और अन्य तिलहन फसलें हुई उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर भारत में अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन की जो प्राइसेज हैं उनमें एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। और जानकारों के अनुसार और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडोनेशिया से कच्चे पाम तेल का ज़्यादा एक्सपोर्ट होना, एक्सपोर्ट टैक्स में कटौती हो जाना, इसकी वजह से भारत में
जितने भी खाद्य तेल हैं उन सभी के दामों में यहाँ पर नरमी आते हम देख रहे हैं। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने सूरजमुखी का तेल और एक और तेल, दूसरे तेल पर भी 2 सालों के लिए यहाँ पर शुल्क घटा दिया था और एक कैप लगा दी थी कि अगर इससे 20 लाख टन तक यहाँ पर इसका आयात किया जा सकता है। तो ऐसे में ये उन कारणों में से एक हैं जो खाद्य तेलों में गिरावट के कारण बन रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने यहाँ पर खाद्य तेलों में नरमी आते हुए देखी है। दूसरा, जब पाम ऑयल का इम्पोर्ट इंडिया में ज़्यादा हो जाएगा या फिर पाम ऑयल की जो उत्पादन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से कच्चे तेल में नरमी आएगी, क्योंकि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल हो गया और बायोफ्यूल हो गया, सरकार उस पर बनाने पर ज़्यादा फोकस करेगी तो ऐसे में कच्चे तेल का इस्तेमाल कम हो जाएगा। कच्चे तेल में इसका इस्तेमाल होने का मतलब है कि बाकी खाद्य तेलों में भी नरमी आना। तो कच्चे तेल में यहाँ पर हमने जो नरमी आते हुए देखी थी उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं खाद्य तेलों के जो दाम हैं उनमें नरमी आई थी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे खाद्य तेलों में नरमी आते दिख रही है और इसी वजह से सोयाबीन के जो दाम हैं उनमें अभी नरमी देखने को मिल रही है। और ये जो खाद्य तेलों हो गए, तिलहन फसलें हो गई, सरसों सोयाबीन हो गए, इनमें अभी ये जो नरमी है ये अभी आगे भी ऐसी जारी रह सकती है। खाद्य तेलों में यहाँ पे नरमी वाला रुझान बनता नजर आ रहा है। बात करेंगे यहाँ से अब मसालों की। तो मसालों में देख रहे हैं कि खासकर कि धनिया और जीरा में बुआई भले ही कम हुई हो, उत्पादन भले ही कम हो, लेकिन जो प्राइजेज हैं पहले के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिले हैं। ऊपरी स्तर पर डिमांड रुक गई है और सिर्फ घरेलू स्तर पर ही डिमांड कम नहीं हुई है बल्कि जो विदेश है वहाँ से भी इन दामों पर डिमांड कम आ रही है। तो यानी कि सीधा सीधा मतलब ये हुआ है कि जीरा हुआ और ये धनिया हुआ, इनकी जो एक्सपोर्ट डिमांड है यहाँ पर कुछ नरमी आते हुए दिखी है, जिसकी वजह से जो प्राइसेज हैं वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, ऊपरी स्तर पर सीमित दायरे में ही ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च 2022 में जीरे का जो एक्सपोर्ट है उसमें कम से कम 60% की गिरावट आई है और मार्च 2021 में 33,203 टन का एक्सपोर्ट हुआ था मार्च 2021 में जीरे का। वहीं मार्च 2022 में सिर्फ 13,406 टन जीरे का अभी तक एक्सपोर्ट हुआ है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डबल से भी ज़्यादा जो एक्सपोर्ट पिछले साल हुआ था इस बार उसका डबल से भी कम रह गया है। तो इसकी वजह से जो डिमांड कम हो रही है ऊपरी स्तरों पर, इसकी वजह से यहाँ पर हमने प्राइसेस में एक डाउनफॉल आता हुआ देखा है। वहीं पर धनिया में कुछ हल्की बढ़त भी नज़र आई, क्योंकि कुछ छुटमुट एक्सपोर्ट डिमांड निकली थी डिमांड की वजह से, इसलिए कुछ ऊपरी स्तर पर डिमांड निकल गई। अदरवाइज धनिया भी ऐसे ही एक फ्लैट सपोर्ट के साथ ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हालांकि दोनों फसलों को कम उत्पादन का सपोर्ट रहेगा, लेकिन जब तक एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी नहीं निकलेगी तब तक मसालों में ऐसे ही नरमी वाला रुख देखने को मिलेगा। सर्दियों में मसालों की कुछ डिमांड निकल सकती है, जैसा हमने यहाँ पे अभी शादी ब्याह का सीज़न था तो शादियाँ ज़्यादा हो रही थी तो मसालों की कुछ घरेलू स्तर पर डिमांड निकली थी, लेकिन जब सर्दियां आ जाएंगी तब भी हम मसालों में यहाँ पे डिमांड निकलते हुए देखेंगे। दूसरा, अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में हमने नरमी इसलिए आते हुए देखी क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं जिनके मुताबिक हल्दी का जो स्टॉक है वो सफिशियंट है, यानी कि भरपूर है, और साउथ इंडिया में इसकी जो बुआई है ठीक ठाक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे प्राइसेस पर एक प्रेशर आता हुआ देखा है, दबाव बनता हुआ देखा है। तो इन कारणों की वजह से यहाँ पे मसालों में दबाव बनता नजर आ रहा है। बात करेंगे यहाँ से अब खल की। तो बिनौला खल में तो देख रहे हैं कि 2772 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। बिनौला खल की डिमांड कम हुई है जिसकी वजह से वायदा बाजार में बिनौला खल के जो दाम हैं उनमें नरमी आते नजर आ रही है। लेकिन अगर सोयाबीन खल और सरसों खल की बात करें तो उनमें तेजी आई है। आपको बता दें कि इंडिया, भारत का सोयाबीन खल और सरसों खल दोनों में ही बढ़त देखने को मिली है। सरसों के खल के जो निर्यात है वो 45% बढ़ा है, जो दूसरे खल की भी जो शिपमेंट है उनको बढ़ोतरी दे रहा है, उनको भी एक पुश कर रहा है कि इसका भी एक्सपोर्ट किया जाए। इसी की देखा देख सोयाबीन के खल में भी यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि भारतीय सोयाबीन खल का जो दाम है
वैश्विक स्तर पर काफ़ी ऊंचा है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं छुटपुट मांग बनी है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे खड़ के प्राइसेस में तेजी आते हुए देखी है। आपको बता दें कि मई 2021 में भारत से सोयाबीन खल का जो आयात है 2.28 लाख टन हुआ था। मई 2022 की में मई में 2.55 लाख टन का निर्यात हो चुका है सोयाबीन खल का। ये डेटा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सी का डेटा है। पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल यानी कि 2021 मई के मुकाबले मई 2022 में सोयाबीन का जो खल है उसमें 12% की बढ़त इसके एक्सपोर्ट में दर्ज की जा रही है। तो यानी कि सरसों और सोयाबीन खल की जो डिमांड है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। बात करेंगे यहाँ से अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की। ग्वार में हमने यहाँ पे नरमी आते हुए देखी है। ग्वार में देख रहे हैं कि 10,400 पर ट्रेड हो रहा है सीड, 5,500 के लेवल पर। जानकारों के मुताबिक ग्वार में यहाँ से अभी कुछ करेक्शन और बन सकती है, ग्वार में यहाँ पे अभी और नरमी आ सकती है। लंबे ट्रेंड की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ग्वार गम ग्वार सीड का पॉजिटिव ही रहेगा। लंबी अवधि में ग्वार गम ग्वार सीड में तेजी का ही रुझान है। अभी हाल फिलहाल में ग्वार के जो प्राइसेस हैं उनमें यहाँ पे एक नरमी आते हुए हम देख रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और आगे कम्युनिटी में क्या क्या रुझान रह सकता है, मंदी आएगी या फिर तेजी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।